सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर गुरुद्वारों में हुए धार्मिक आयोजन। रामगंज स्थित गुरुद्वारे में सर्वधर्म मैत्री संघ से जुड़े सभी धर्म गुरुओं के साथ SP ने भी माथा टेका। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती पर बुधवार को अजमेर शहर के समस्त गुरुद्वारों में कीर्तन दरबार सजाकर रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन से संगत को निहाल किया। इसी कड़ी में रामगंज स्थित गुरुद्वारे में सरदार कश्मीर सिंह ने बताया कि हम एहू काज जगत में आए, धर्म हेतु गुरुदेव पठाए महावाक्य के आधार पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भारतीय संस्कृति को जीवंत रखने के लिए अपने परिवार के 4 बच्चों सहित समस्त परिवार का बलिदान दे दिया। ऐसे महान सिख गुरु के चरणों में वंदन और अभिनंदन करने के लिए सर्वधर्म मैत्री संघ से जुड़े तमाम धर्मों के धर्म गुरुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को माथा टेक कर अरदास की है। आज सिखों और हिंदुओं के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म दिवस है, जिसे यहाँ पर रामगंज गुरुद्वारे में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी देश की संस्कृति के रक्षक के रूप में, महान त्यागी के रूप में जाने जाते हैं। हम एहो काज जगत में आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए, इस महावाक्य के आधार पर गुरु जी ने भारत की संस्कृति को जीवित रखने के लिए सह परिवार अपने परिवार के 4 बच्चों सहित, अपने पिता के बलिदान सहित और सिख हिस्ट्री के अंदर एक अमूल्य योगदान दिया है, जिसे कि ये संसार कभी भूलेगा नहीं। और हम ये अपेक्षा करते हैं कि इस धर्म नगरी के अंदर, जहाँ सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, आपस में समन्वित होकर, एकजुट होकर, प्रेम से, मिलन से, सहजता पूर्वक, सद्भावना पूर्वक जीवन यापन करें और राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में और अजमेर को स्वच्छता अभियान के अंदर प्रथम स्थान दिलाने के अंदर अपना योगदान प्रदान करें। सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि संगत में अजमेर पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा, उप अधीक्षक ट्रैफिक पार्थ शर्मा, नगर निगम कमिश्नर डॉक्टर खुशहाल यादव सहित बड़ी संख्या में सिख साथ संगत ने कथा कीर्तन का श्रवण कर अरदास की। कार्यक्रम में सर्वधर्म मैत्री संघ के अध्यक्ष प्रकाश जैन, फादर कॉस्मोस शेखावत, सिस्टर अनुषा, राकेश कटारा, सरदार दिलीप सिंह, सरदार कश्मीर सिंह, भैरवधाम के उपासक चंपालाल महाराज सहित जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई धर्म के गुरु मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम करा सब? आज गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म जयंती के ऊपर प्रकाश पर्व के सिलसिले में आज सर्वधर्म मैत्री संघ के द्वारा रामगंज स्थित गुरुद्वारा के अंदर एक विशेष अरदास की गई, जिसके अंदर ये अरदास के अंदर कहा गया कि अजमेर शहर में हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, और दूसरी बात, जो भी सरकार की योजनाएं हैं जिस प्रकार की, वो उसके अंदर सभी लोग सहभागी बनकर योजनाओं को सफल बनाएं। तो स्वागत, हाँ, और इसी क्रम में आज हमारे जो शहर के अंदर नए जो पुलिस कप्तान आए, श्रीमान जगदीश चंद्र जी शर्मा साहब, और जिला नगर निगम के जो हमारे CO साहब हैं, कमिश्नर साहब खुशहाल यादव, उनका भी सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से वेलकम किया गया और गुरुद्वारा ये रामगंज गुरुद्वारा की तरफ से भी उनका स्वागत किया गया। अच्छा, तो SP साहब ने क्या बोला कि ऐसा सम्मेलन हो सबका धर्म? SP साहब ने संस्था की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं इस शहर की इस संस्था से अपेक्षा करता हूँ कि इसके अंदर इस शहर में एक इस प्रकार का कार्यक्रम हो, सूफिज्म का कार्यक्रम हो, जिसमें सभी संप्रदायों के लोग आकर के अपनी अपनी धार्मिक भावनाओं के माध्यम से सद्भावना का संदेश प्रेषित करें। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। यू ट्राइड द रेस्ट, नाउ ट्राई द बेस्ट, रियल बेकर्स, नियर कलेक्टर्स रेजिडेंस, बैंक कॉलोनी चौराहा, पुलिस लाइन, अजमेर।
और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर।